यानी कि आज हम सीखने जा रहे हैं वोल्टिन सेक्शन के बारे में, यानी कि वोल्टिन सेक्शन किस कंडीशन पे आपको चेक करना है, यानी कि सेक्शन को कैसे आपको शॉर्ट आउट करना है, यानी कि उसके बारे में पहले अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वोल्टिन सेक्शन हमारा कैसे वर्क करता है, एक मदरबोर्ड पे कैसे इसका स्ट्रक्चर, यानी कि वोल्टिन सेक्शन को क्या बोलते हैं, यानी कि वोल्टिन सेक्शन हमारा क्या होता है कि जहां पे हम एडेप्टर के थ्रू, हमारा एडेप्टर के थ्रू क्या होता है, पावर इन होता है। पावर इन होके कहां आएगा, यानी कि कॉमन पॉइंट है जिसको इस पॉइंट पे आएगा, तो इसे बोलते हैं हम कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट, तो देखिए हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारा वोल्टिन सेक्शन कैसे वर्क करता है। तो देखिए जैसे कि हमने यहां पे इस पॉइंट पे क्या किया, एडेप्टर को कनेक्ट किया, एडेप्टर को कनेक्ट करते ही तो देखे यहां पे ये एक सबसे पहला पॉसिबिलिटी है कि यहां पे एक डायोड मिलेगा आपको, देन उसके बाद यहां पे कई सारे आपको कैपेसिटर रजिस्टर मिल सकते हैं, और उसके बाद मिलेगा आपको मोस्फेट वन, यानी कि मोस्फेट वन के ड्रेन पे जब आपका वोल्टेज इन होता है, वोल्टेज इन होने के बाद यानी कि सोर्स से आउट होगा, बट सोर्स से आउट होने से पहले आपका क्या होगा कि गेट इनेबल, यानी कि गेट इनेबल, जब तक मेन मोस्फेट का गेट इनेबल, मोस्फेट का गेट इनेबल नहीं होगा तब तक आगे वोल्टेज क्या होगा, पास नहीं होगा। तो सबसे पहले वोल्टेज यानी कि गेट कहां से इनेबल होगा, आईसी से, ये हमारा चार्जिंग आईसी है, और चार्जिंग आईसी एट अ टाइम पे क्या करता है, दोनों मोस्फेट का गेट इनेबल कर देता है। तो जैसे कि यहां पे मानो वोल्टिन 19 वोल्ट इन हुआ, इन होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया, और स्टॉप होने के बाद यहां से आउट नहीं होगा। आउट क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेन मोस्फेट यानी कि मोस्फेट का गेट इनेबल नहीं हुआ, तो आईसी गेट इनेबल करेगा। जैसे ही गेट इनेबल होगा तो आईसी क्या करेगा, मोस्फेट यानी कि मोस्फेट से वोल्ट को सप्लाई यानी कि पास कर देगा। जैसे ही इस पे यानी कि सेकेंड मोस्फेट के सोर्स पे इन हुआ तो ड्रेन से आउट नहीं होगा, ड्रेन से आउट होने के लिए क्या करेगा, यहां से चार्जिंग आईसी यानी कि गेट मोस्फेट का गेट क्या कर रहा है, इनेबल कर रहा है, और जैसे ही इनेबल कर दिया तो यहां से पास होके आपका वोल्टेज किस में आ गया, कॉमन पॉइंट पे, यानी कि 19 वोल्ट इन हो गया। और ये कॉमन पॉइंट मदरबोर्ड का कॉमन पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट से कंप्लीट सारे मदरबोर्ड में क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि किस सेक्शन पे, यानी कि कंप्लीट सेक्शन है, यानी कि ये हम कंप्लीट, जब मैं आपको कंप्लीट के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें शॉर्टकट में बताना है, तो मैं आपको शॉर्टकट में जानकारी दूंगा। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गया कि आप इस टाइप का सर्किट होगा किसी मदरबोर्ड में, और किसी मदरबोर्ड में इस टाइप का होगा। देखिए किस टाइप का है, तो यहां से सबसे पहले एडेप्टर यानी कि कनेक्टर से इन हुआ, क्वाइल के थ्रू आया, क्वाइल के थ्रू आने के बाद मोस्फेट वन पे आया, और मोस्फेट टू पे आने के बाद कहां पे आ गया, ये हमारा कॉमन पॉइंट। देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, इसको बोलते हैं पीआर, क्या बोलते हैं पीआर, यानी कि पावर रजिस्टर, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, 19 वोल्ट इन होगा। और एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, और एक पॉसिबिलिटी होने के बाद एक आ गया दूसरा, यानी कि इस टाइप का, यानी कि यहां से एडेप्टर इन होते ही क्या हो गया, यानी कि फ्यूज के थ्रू आया, कॉइल के थ्रू आया, मोस्फेट के थ्रू आके सेकंड मोस्फेट पे आके ये हमारा कॉमन पॉइंट पे इन हो गया, यानी कि यहां पे क्या हो गया, 19 वोल्ट आके स्टॉप हो गया, यानी कि ये हमारा कॉमन पॉइंट है। क्या, ये हमारा कॉमन पॉइंट पे। अब कॉमन पॉइंट के बाद अब कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं, यानी कि हमारा बैटरी सेक्शन, यानी कि आगे के सेक्शन पे। ओके, तो देखिए यहां पे हमारा क्या हुआ, 19 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज यहां से इन होके फ्यूज के थ्रू, कॉइल के थ्रू, मोस्फेट के थ्रू आके क्या हो गया, कॉमन पॉइंट पे वोल्ट इन हो गया, यानी कि हमारा 19 वोल्ट क्या हो गया, इन हो गया। अब 19 वोल्ट यानी कि मैंने अभी आपको तीन ही सेक्शन बता के दिखाया, यानी कि तीन सर्किट बना के दिखाया है, और इसके बाद काफी सारे पॉसिबिलिटीज और, यानी कि काफी सारे सर्किट और है, ये हम आपको क्लास में बताएंगे। यानी कि देखिए अब यहां पर हमारा क्या हो गया, 19 वोल्ट क्या हो गया, इन हो गया। अब देखिए यहां पर जब 19 वोल्ट इन होता है तो उस कंडीशन पे ये 19 वोल्ट किस किस सेक्शन पे जाएगा, यानी कि कई सारे सेक्शन है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा क्या है, पीआर यानी कि क्या है, ये कॉमन पॉइंट है, और ये हमारा इनपुट पॉइंट है, और ये हमारा आउटपुट पॉइंट है। अब देखिए इनपुट पॉइंट और आउटपुट पॉइंट, यानी कि इनपुट क्या हुआ, एडेप्टर से, यानी कि देखिए इस कंडीशन पे आके यहां पे इन हो गया, और आउटपुट किस किस सेक्शन पे जाएगा, अब देखिए तो यानी कि इस कंडीशन पे बैटरी सेक्शन, मैंने आपको बैटरी सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता हूं,
बैटरी सेक्शन, और उसके बाद स्टेप डाउन सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन, और उसके बाद पीसीएच सेक्शन, उसके बाद रैम सेक्शन, उसके बाद वीआरएम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन, यानी कि कई टाइप के सेक्शन हैं। मैं कंप्लीट आपको क्या करूंगा, अगर मैं कंप्लीट बताऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, यानी कि कंप्लीट में आपको वीडियो हमारे क्लास में बताऊंगा। तो इस कंडीशन पे इतने सारे सेक्शन पे क्या होगा, ये 19 वोल्ट सेक्शन है, यानी कि कंप्लीटली ये 19 वोल्ट सेक्शन है, 19 वोल्ट सेक्शन है, यानी कि इतने सारे सेक्शन पे क्या आएगा आपका 19 वोल्ट आइन होगा। और यहाँ पे और बताना चाहता हूँ आपको LVDS, LVDS सेक्शन, यानी कि इस कंडीशन में भी आपका इस टाइप से ही वर्क करेगा, यानी कि कई सारे सेक्शन में कंप्लीटली आपको हमारे क्लास में बताऊंगा। तो देखिए 19 वोल्ट यानी कि कहां से आया, वोल्टिंग सेक्शन से 19 वोल्ट आके कॉमन पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट है, और इस कंडीशन पे यहां से कंप्लीट सेक्शन पे जाएगा हमारा, जैसे कि कॉमन पॉइंट 19 वोल्ट यहां से आने के बाद यहां से क्या हो रहा है, कंप्लीट मदरबोर्ड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि कॉमन पॉइंट वीएस, यानी कि बैटरी सेक्शन हो गया, स्टेप डाउन सेक्शन हो गया, पीसीएस सेक्शन हो गया, रैम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन, एलवीडी सेक्शन, यानी कि कंप्लीट सेक्शन, काफी सारे सेक्शन है। तो उस कंडीशन पे मैं आपको कंप्लीट क्या करूंगा, अपने क्लास में बताऊंगा। तो इतना अंडरस्टैंड होने के बाद अब आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं बैटरी सेक्शन की, बैटरी सेक्शन पे कैसे वर्क करता है हमारा सिस्टम। देखिए बैटरी सेक्शन यानी कि बैटरी सेक्शन के, बैटरी सेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं पहले सबसे पहले आपका वोल्टिंग सेक्शन को क्या करता हूं, इसे हटा देता हूं, तब आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। अब अंडरस्टैंड करते हैं हमारा बैटरी सेक्शन को, यानी कि बैटरी सेक्शन कि हमारे लैपटॉप में बैटरी सेक्शन कैसे वर्क करता है। तो देखिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। देखिए बैटरी कनेक्टर, तो बैटरी कनेक्टर तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से देखिए 5 पिन, 7 पिन, 8 पिन, 9 पिन, 12 पिन, 15 पिन, यानी कि 5 to 15 पिन तक हमारा क्या हो सकता है, बैटरी कनेक्टर हो सकता है। यानी कि अब देखिए कि ये वर्क कैसे करता है हमारे मदरबोर्ड में, यानी कि बैटरी सेक्शन का स्ट्रक्चर कैसा है, मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। तो देखिए अभी मानो ये मैंने कनेक्टर बना दिया है 7 पिन का, तो 7 पिन कैसे वर्क कर रहा है, तो सबसे पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा बैटरी कनेक्टर का नेगेटिव और पॉजिटिव पिन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए एक पिन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि जो ग्राउंड से, जो पिन ग्राउंड से आपका बीप करेगा वो आपका नेगेटिव पिन होगा, और जो ग्राउंड से बीप नहीं करेगा वो आपका पॉजिटिव पिन होगा, और ये हो गया नेगेटिव पिन, नेगेटिव पिन हो गया। अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा नेगेटिव पिन कौन सा है और पॉजिटिव पिन कौन सा है, तो उस कंडीशन पे तो देखिए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैटरी सेक्शन पे कितने सेक्शन होता है, कि बैटरी सेक्शन पे देखिए सबसे पहले एक डिस्चार्जिंग सेक्शन, ये देखिए ये है हमारा डिस्चार्जिंग सेक्शन, और दूसरा है हमारा चार्जिंग सेक्शन, यानी कि बैटरी सेक्शन के अंदर हमें आएगा क्या क्या, एक आएगा हमारा चार्जिंग सेक्शन और एक आएगा डिस्चार्जिंग सेक्शन। तो ये कैसे वर्क करता है हमारे मदरबोर्ड पे, तो उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बैटरी को क्या करना है, बैटरी यानी कि बैटरी से हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए जब हमारे बैटरी पर पावर होता है, यानी कि जब हम एडेप्टर से वर्क नहीं करते हमारे लैपटॉप में, यानी कि लैपटॉप दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक होता है एडेप्टर के थ्रू और एक होता है बैटरी के थ्रू। जब हम बैटरी के थ्रू अपना लैपटॉप को यूज करते हैं तो कैसे वर्क करता है हमारा मदरबोर्ड, तो उस कंडीशन पे जानते हैं। तो देखिए ये था हमारा पॉजिटिव पिन, और पॉजिटिव पिन से यानी कि नंबर, पॉजिटिव पिन से क्या आएगा, यहां से वोल्ट इन होगा, यानी कि वोल्ट इन होकर कहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे डिस्चार्जिंग पॉइंट पे, यानी कि नंबर एक कहां पे आया, डिस्चार्जिंग मॉस्फेट पे, यानी कि ये हमारा डिस्चार्जिंग मॉस्फेट है। जब डिस्चार्जिंग मॉस्फेट के ड्रेन पे इन होता है, ये पॉसिबिलिटी ये कंफर्म नहीं है कि आपका ड्रेन पे ही इन हो, ये आपका सोर्स पे भी इन हो सकता है, ड्रेन पे भी इन हो सकता है। तो जैसे कि ड्रेन पे इन होगा तो सोर्स से आउट होगा, सोर्स पे इन होगा तो
ड्रेन से आउट होगा। तो इस कंडीशन पे अभी की पॉसिबिलिटी है कि हमारा ड्रेन पे इन